दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है सीटेट की रिगार्डिंग कि सीटेट अब दिसंबर जुलाई 2023 में भी सीटेट कराने के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। जिन बच्चों को सीटेट 2023 जुलाई में देना है उनके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। बहुत बड़ी खबर ऑफिशियल देख सकते हैं आप कि सीटेट दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यानी कि जिन बच्चों को अब साल में दो बार होगा बिना किसी डाउट के, सीटेट ने आधिकारिक वेबसाइट पे आवेदन भी शुरू कर दिया है, तो यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। बच्चों जिन बच्चों को सीटेट 2023 देना है जुलाई में उनके लिए आवेदन शुरू हो चुका है। कुछ इस प्रकार से आपको आवेदन करना है। तो जिन यहाँ से ये बात कंफर्म हो गई कि बच्चों की अब साल में दो बार सीटेट होगा, सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट पर अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि आप सीटेट 2023 जुलाई में का भी फॉर्म भर सकते हैं और यह एग्ज़ाम संभवतः जुलाई नहीं तो अगस्त और सितंबर तक करा लिया जाएगा। यानी कि सीटेट ने बहुत बड़ा कदम यहाँ पर उठाया है। दो साल से जो सेशन लेट चल रहा था, साल में केवल एक बार ही सीटेट कराई जा रही थी, तो फाइनली इस बार भी सीटेट यहाँ पे साल में दो बार, यानी कि 2022 में एक बार दिसंबर में हुआ था और इस बार यहाँ पे बच्चों जुलाई में भी सीटेट के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। तो जिन बच्चों को ये आवेदन करना है, जिन बच्चों को सीटेट 2023 जुलाई में देना है, वो यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। आप कैसे फॉर्म भरेंगे बच्चों? यहाँ पर सबसे पहले तो आपको आके न्यू रजिस्ट्रेशन पर आ जाना है, क्योंकि ये बिल्कुल नया है, आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का नोटिफिकेशन दिखाई देगा। आप यहाँ पर पूरा बुलेटिन वो डाउनलोड कर सकते हैं। पैसे की अगर हम बात करें तो जनरल और ओबीसी के 1000 रुपये, एससी एसटी के लिए 500 रुपये और दोनों पेपर देना है तो 1200-1600 रुपये आपका यहाँ पे चीज़ें लगेंगी। आपका फ़ोटो होगा अपलोड अगर, और आपका सिग्नेचर होगा, कुछ इस प्रकार से बुलेटिन है, तो आप यहाँ से चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान है बच्चों, रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन और फीस पेमेंट करना है और इस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं बच्चों, आई हैव डाउनलोडेड इन ऑल द ऑल, यहाँ पे करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देते हैं और उसके बाद आइए हम यहाँ पे फॉर्म भरते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम नीचे भरना है, आपको डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, आइडेंटिटी टाइप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप आधार कार्ड लेके आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे भर के कुछ इस प्रकार से सेम एज परमानेंट एड्रेस कर दीजिए, तो कुछ इस प्रकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बच्चों ये अभी तुरंत की न्यूज़ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं दूसरे वीडियो में आपको वन बाई वन फॉर्म फिल करके स्टेप बताऊँगा कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, पेपर वन में क्या भरना है, पेपर टू में क्या भरना है। और सबसे बड़ी न्यूज़ ये आ रही थी, इसलिए आपको बताना बहुत ज़रूरी था कि सीटेट अब साल में दो बार होगा, जुलाई 2023 के लिए आवेदन शुरू हो चुका है, परीक्षाएं संभवतः अगस्त और सितंबर में कराई जाएंगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बच्चों, तैयार हो जाइए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, उनको भी बता दीजिए कि सीटेट का आवेदन शुरू हो चुका है। धन्यवाद।